पीछे वाला जो एक्सल रहता है अपना वो टूट गया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और दोस्तों ये किस कारण टूटा है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखिए पूरा एकदम। यहाँ थोड़ा बर्तन लगा देंगे, इससे अपना आवाज निकल जाएगा। ये देखिए यहीं से एक्सल टूट गया है और ये वायरिंग भी टूट गई है, तो अभी दोनों वायरिंग चेंज होंगी और एक्सल भी नया आएगा। दोस्तों किस रीज़न से ये टूटा है मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ वापस। आप लोग देख सकते हैं यह है सुराज 744 FE। दोस्तों खेत में अभी जुताई करते वक्त दोस्तों इसका पीछे वाला जो एक्सल रहता है अपना वो टूट गया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और दोस्तों ये किस कारण टूटा है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखिए पूरा एकदम अलग है। खाली टायर पे रखा हुआ है अपना पीछे वाला चक्का, नहीं तो पूरा एकदम अलग है दोस्तों। और देखिए ऑयल भी दोस्तों निकल रहा है, तो अभी इसको चलते हैं फटाफट खोल लेते हैं। और इसको खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा दोस्तों मैं सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर आपको देखना है। और दोस्तों चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। चलते हैं फटाफट दोस्तों इसको खोल लेते हैं, अभी ये जुताई वक्त करते वक्त ये टूटा है। और दोस्तों बहुत ही यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम जंगल एरिया है दोस्तों। इधर मैं अपनी दुकान को यहाँ छोड़ के आया हूँ, अभी ये जाने लायक गाड़ी नहीं थी इसलिए यहाँ आना पड़ा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों फटाफट इसका टापा और एक्सल खोलते हैं और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि किस रीज़न से ये टूटा हुआ है। और दोस्तों इसको पूरा बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, अभी ये बोनट पे पूरा धरा हुआ है ये देखिए, नहीं तो पूरा एकदम बाहर निकल आता तो गाड़ी अपनी पलट भी सकती थी। चलते हैं इसको फटाफट दोस्तों खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। छोड़ दो छोड़ दो निकाल दो, ऐसे पकड़ा दो, लेटा दो लेटा दो, हट जाओ। हाँ ये देखिए दे। तो ये देखिए दोस्तों इसका टापा हमने खोल लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, अभी इसको पूरा तरह से बाहर निकालेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर कौन से बोल्ट से अपना एक्सल बंधा हुआ था। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसको हमने बाहर निकाल लिया है और अभी इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है इसको कम करेंगे निकाल के इसको बाहर, जिससे अपना ऑयल नीचे गिरे ना। चलते हैं इसको फटाफट निकाल लेते हैं ऑयल को। ऑयल निकलता है और पीछे से भी एक बोल्ट है, वहाँ पे हमने जैक लगा दिया है इसलिए यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। इसका हाइड्रोलिक ऑयल दोस्तों भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, फिर भी अभी चलने लायक है। हाइड्रोलिक अभी इसकी सही काम कर रही है, ट्रैक्टर भी पुराना हो गया है इसलिए ऐसा ऑयल चल जाता है ऐसी गाड़ियों में। तो ये देखिए दोस्तों इसको हमने लॉक तोड़ लिया है और एक बोल्ट अभी बाकी है, इसको भी खोल के 13 नंबर और ये 36 नंबर बोल्ट लगा हुआ है, इसको खोल के अपना एक्सल निकल आएगा। चलते हैं इसको फटाफट निकाल लेते हैं। ऑयल तो मैंने कम कर दिया है लेकिन फिर भी आगू से थोड़ा बहुत बहेगा तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलते हैं इसको फटाफट खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो 36 नंबर बोल्ट था हमने खोल लिया है, उसके बाद ये अपना गियर बाहर आ जाएगा। एक्सल चलते हैं उधर से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो 19 नंबर 4 बोल्ट प्लेट लगते हैं इसको खोल लेंगे। उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं।
पूरा कचरा भरा हुआ है और यहीं से अपना एक्सल टूट गया था। अभी चलते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं, वायरिंग भी टूट गई है, इसको चलते हैं बाहर निकालते हैं। यहाँ थोड़ा बर्तन लगा देंगे, इससे अपना वायर निकाल देंगे। ये देखिए यहीं से एक्सल टूट गया है और ये वायरिंग भी टूट गई है, तो अभी दोनों वायरिंग चेंज होंगी और एक्सल भी नया आएगा। दोस्तों किस रीज़न से ये टूटा है मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। अभी चलते हैं इसकी वो वायर वाली और उसके बाद ही चलो। अभी और भाग इसमें लगा हुआ है, चक्के में अभी बंधा हुआ है, तो इसको अभी नहीं खोलेंगे, अभी बाद में खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा। और इधर देखिए ये अपनी अंदर वाली वायरिंग है, ये देखिए ये तो फिलहाल सही है, लेकिन इसको नई डाल देंगे इसलिए एक्सल अपना नया पड़ेगा। और दोस्तों अभी चलते हैं इसका एक्सल लाते हैं नया, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों इसका हमने चक्का खोल लिया है ऑलरेडी, एक बोल्ट बचा हुआ है, चलते हैं इसको फटाफट खोल के इसको बाहर निकाल दे के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखिए एक्सल पूरा टूटा था, गिर गया है, ठोंक दिया मैंने, तो इसको चलते हैं बाहर निकालता हूँ मैं। ये देखिए पूरा यहीं से टूट गया था और इसका दूसरा भाग यहाँ पे है, ये देखिए। अभी चलते हैं दोस्तों इसको पूरा नया लाते हैं आप लोग।